हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं किसी भी फील्ड फोर्स को स्टेबल कैसे बनाया जाए। जैसा कि मैंने बताया था, इस पूरे वीक के अंदर स्टार्टअप से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियो, पूरा स्टार्टअप वीक ही सेलिब्रेट कर रहा हूं, स्टार्टअप से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा। आज के वीडियो में मैं आप बात करूंगा कि आज के टाइम की, करंट टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जितनी भी स्मॉल कंपनी है, स्टार्टअप है, अब 2-3-5 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ में काम करते हैं। ठीक है, होता क्या सिचुएशन है कि कोई मेडिकल रह पाता, 1 महीने रहता चला जाता, 2 महीने रहता चला जाता, 3 महीने रहता चला जाता, स्टेबल नहीं हो पा रहा है फील्ड फोर्स। ठीक है, स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को ग्रो करके लेके जाना है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना स्टेबिलिटी के आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, ये अपने माइंड के अंदर बहुत अच्छी तरीके से फिक्स कर लीजिए। ठीक है, तो वही आज मैं यही बात करने वाला हूं कि स्टेबिलिटी हम कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आ सकते हैं। आप सिर्फ 5 लोग, 5 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ में काम कर रहे हैं, 10 के साथ में काम कर रहे हैं, तो ऐसे देखो, अगर मैं खुद अपने आप को देखूं कि मैं भाई एज ए मेडिकल रैप काम कर रहा हूं, तो मेरी हमेशा यही इच्छा होगी कि मैं एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करूं, एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करूं, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे काम करूं जहां मेरा पर्सनल ग्रोथ हो। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर जहां पे मुझे अपनी जॉब के लिए सिक्योरिटी हो, आने वाले टाइम के अंदर यार मेरा जॉब सिक्योर रहेगा, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो मेरी जॉब नहीं जाएगी। ये 4-5 चीज़ें हैं फ्रेंड, जो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या फिर मैं बोलूँ एक एम्प्लॉय जिस भी कंपनी के अंदर काम करता है उसको देखता है। तो आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव स्टेबल रहे, तो आपको ये 4-5 चीजें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना पड़ेगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को, जिससे क्या हो कि वो भाई आपके साथ लंबे टाइम तक चलने का सपना देख सके। ठीक है, या आप उसको ड्रीमिंग करा सके कि भाई आप यहाँ मेरे साथ लंबे टाइम तक चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मोनेटरी बेनिफिट भी मिलेगा, एज वेल एज कैरियर भी आपका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हैं, पहला देखिए, ऐसे कंडीशन में देखिए, यहाँ पे मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी स्टार्टअप हैं, एक चीज़ बहुत मिसिंग है, वो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रेनिंग का पार्ट लेके। मीन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हम हायर कर लेते हैं, स्टार्टअप की बात करें तो हायर कर लेते हैं, अब हायर करने के बाद उनको हमने प्रोडक्ट दे दिया, जाके बेचो, ठीक है, सेल करो जाके। अभी क्या प्रोडक्ट के रिलेटेड ना ही आपके पास कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी के नाम पे सिर्फ इतना है कि भाई कोई अच्छा कस्टमर फंसेगा बता देना, कुछ गिव एंड टेक कर देंगे, वहाँ पे कुछ जुगाड़ कर देंगे, दे देंगे, ले देंगे, यही मार्केटिंग स्ट्रेटजी के नाम पे आपके पास चीज़ है बस। सेकंड क्या है, ना ही आपके पास बजटिंग, नहीं किस चीज़ पे कहाँ कितना पैसा खर्चा करेंगे इसका भी आइडिया नहीं है। थर्ड क्या है कि आपके पास ब्रांडिंग का पैसा नहीं है, ब्रांडिंग के लिए आपने कुछ पैसा निकाला नहीं है, तो इससे आपको प्रॉब्लम आएगी। चौथा, कंपनी में सिस्टम नहीं है, रिपोर्टिंग कैसी होगी, फ़ोन पे ही सुबह व्हाट्सएप पे रिपोर्ट करवा लिया, हाँ जी कहाँ पे रिपोर्टिंग, कहाँ काम करने जाओगे आज बता दो, बता दिए जी आज सुबह, बता दिया आज मैं काम करने यहाँ चला जाऊँगा, अब मेडिकल रहे पता चला कहीं और काम करने गया, मंथ में भाई 1 लाख करना है कर दियो, 1 लाख, फिर आते आते क्या हुआ 80-70। अभी क्या है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को प्रोडक्ट वाइज टारगेट ही नहीं दिया है। मीन्स कंपनी के अंदर एक सिस्टम ना होना एट्रीशन का बहुत बड़ा रीज़न होता है। ठीक है, और बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन स्मॉल स्टार्टअप में एक बहुत बड़ा गैप ये है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये अब्सेंट हैं। ठीक है, अगर इन सारी चीज़ों को अपनी कंपनी के अंदर फ्रेंड आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो ना, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक हेल्प कर सकता, दो हेल्प कर पाऊंगा। एक तो मेरा फार्मा स्टार्टअप टूलकिट करके मैंने लॉन्च किया था, जिसमें बहुत सारा पूरे फील्ड फोर्स को कंट्रोल करने का मैंने एक सिस्टम दिया हुआ है, बहुत सारे उसके अंदर डिफरेंट फॉर्मेट है। फील्ड फोर्स के साथ कभी भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कम से कम रखना चाहिए, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कम से कम, रिटन कम्युनिकेशन, मेल कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा आपको होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंटेड रहता है। आपने कुछ बोला फ़ोन पे कि यार ऐसा ऐसा कर लेना, कल को मेडिकल रैप बोल देगा, सर आपने जो बोला था मैं इसका मतलब तो ऐसा नहीं ऐसा समझ रहा था, आप सिवाय ना अंदर अंदर गुस्साने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अंडरस्टैंड ये फ़ोन पे करके ना 1 लाख कर देना है, तो जब तक ये रिटन कम्युनिकेशन नहीं होगा ना, तब तक आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये घबराइए नहीं, डरिए नहीं इससे, रिटन कम्युनिकेशन इसका एक वे है। ठीक है, कम्युनिकेट करने का वे है, आप सीखेंगे, आप भी करेंगे तो आपको भी लर्निंग मिलेगा, प्लस अपने फील्ड फोर्स के साथ हमेशा रिटेन वे में कम्युनिकेशन करिए। तो ये टूल किट के बारे में आपको बता रहा था, फार्मा स्टार्टअप टूल किट, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। अगर आप स्टार्टअप है तो आप ले लीजिए, आपके बहुत सारे पैसे ये सेव कर देगा, ये सिर्फ 2000 रुपये का है फिलहाल के लिए, लेकिन हाँ ये कई हज़ार रुपये आपके सेव कर देगा, ये मैं बता सकता हूँ पक्का। सेकंड ये है कि बजटिंग वगैरह नहीं किए, आप एक जूम कॉल मेरे साथ बुक करके वहाँ पे सीख सकते हैं बजटिंग वगैरह कैसे करते हैं,
इनपुट वगैरह, डिजाइनिंग कैसी होता है, उसका फंड कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे कैसे चीज़ों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। आप ये चाहो तो काम कर सकते हो। जूम कॉल के लिए आप चाहो तो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, उस कैसे बुक करेंगे, क्या सिस्टम है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने कंपनी के अंदर सबसे पहले आपको सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। रिपोर्टिंग व्हाट्सएप से नहीं, व्हाट्सएप से रिपोर्टिंग नहीं कराना है, रिपोर्टिंग के लिए जो फॉर्मेट है उसी पर रिपोर्ट कराना है, ठीक है। टूर प्लान आपको इंप्लीमेंट करना है, कहाँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करने जाना है, कब जाना है, क्या प्लानिंग है, जो प्लानिंग थी उसके हिसाब से काम किया कि नहीं किया, मंथली उसका रिव्यू का सिस्टम बनाइए कि मंथली हम रिव्यू करेंगे, भाई मेडिकल रैप को फील्ड में काम करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है, टारगेट सीट जो देना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि टारगेट बता दिया 1,00,000 रुपये करना, नो, आपके पास 10 प्रोडक्ट्स हैं तो 10 प्रोडक्ट्स के पर्टिकुलर एक एक प्रोडक्ट के टारगेट कितने हैं, ठीक है। टारगेट से पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर मेडिकल रैप एक्सीड कर देता है तो उसको क्या बोनस देने वाले हैं, क्या एडवांटेज देने वाले हैं, ठीक। मतलब आपका इंसेंटिव सिस्टम भी आपके पास होना चाहिए और ये सब चीज़ें रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, राइट। कैसे डिजाइन की जाएंगी वो टूल किट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आपका इंसेंटिव सिस्टम भी बना होना चाहिए ताकि आप बोल सको ना अपने फील्ड फोर्स के, यार देखो यार आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा करोगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा। सेकंड ये है कि आप एक स्मॉल स्टार्टअप हो, अपनी इंप्लॉय को ज़्यादा देखो सैलरी नहीं दे पाओगे क्योंकि आपके पास इतना बजट हो सकता है बजट ना हो, लेकिन यस आप अपनी इंप्लॉय को इंडस्ट्री का ना सबसे बेस्ट इंसेंटिव जरूर दे सकते हो। अंडरस्टैंड, अपनी इंप्लॉय को आप इंडस्ट्री का बेस्ट एक तो इंसेंटिव दे सकते हो, सेकंड बेस्ट वर्किंग कल्चर दे सकते हैं जो आपके हाथ में है, थर्ड आप इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा सपोर्टिव पर्सन बन सकते हैं। यार चलो जिसकी कंपनी है वो ना कॉपरेटिव बहुत है, सपोर्टिव बहुत है, आता है टारगेट करवाने में हेल्प करता है, अंडरस्टैंड उसकी बातें जो होती हैं जिस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करता है बहुत अच्छे से समझ में आती है। जो आपका एम है वही आपके टीम का एम है, आपका जो कन्वर्सेशन टीम के साथ में होना चाहिए वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मीन्स मैंने बोला ना कि आप अपनी एम्प्लॉय को ड्रीमिंग करा सको, भाई वो आपके साथ बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है, सेफ हैंड्स में हैं, तब जो है आपका एम्प्लॉय अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने का सोचेगा ना तो 50 बार सोचेगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, एक अच्छे बॉस के अब्सेंट की वजह से कई बार मेडिकल रैप छोड़ चले जाते हैं, ऐसा नहीं कि कंपनी की वजह से मेडिकल। अगर आप रिसर्च की बात करें तो ज़्यादातर लोग जो कंपनी छोड़ के जाते हैं वो अच्छे बॉस ना पाने की वजह से चले जाते हैं, अंडरस्टैंड। मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैंने कभी भी ज़्यादा ना कंपनी को बहुत प्रेफरेंस नहीं दिया है अपनी लाइफ के अंदर, मैंने एक अच्छे बॉस को हमेशा, जब भी मैं कहीं जाता हूं तो सबसे पहले किसी भी कंपनी के अंदर अगर मैं इंटरव्यू दिया हूंगा एक एमआर को छोड़ दो, मुझे इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन जब से मैं एज ए एबीएम काम किया, मैंने जितनी भी कंपनी के अंदर काम किया सबसे पहले मैंने देखा कि वहां बॉस कौन है और वो किस नेचर का आदमी, क्योंकि मेरे लिए तो कंपनी बहुत बड़ी छोटी क्या मतलब यार, टाइम से सैलरी आनी चाहिए बस, ठीक है। लेकिन अगर मेरा अच्छा बॉस है ना तो मैं वर्किंग बहुत आराम से कंफर्टेबल होकर करूंगा, राइट, और मुझे लर्निंग मिलेगी, लर्निंग लेसन मिलेंगे, मेरा पर्सनल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो अब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप ये सारे इंसेंटिव सिस्टम डिजाइन करिए, टारगेट सीट डिजाइन करिए बराबर, उनका एवरी मंथ ना उनको KRA सीट दीजिए, भाई अपना इंक्रीमेंट एवरी मंथ आप खुद ही भरो, अगले साल जो इंक्रीमेंट लगने वाला अपना इंक्रीमेंट खुद ही डिजाइन करो, एवरी मंथ देखो KRA सीट क्या होता है, ये भी टूल किट के अंदर आपको मिलता है। KRA सीट में हम भरते हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ कैसी थी, हमने टारगेट कितना अचीव किया, फोकस ब्रांड का टारगेट कितना अचीव किया, मीन्स अपने आप को ही हम नंबर सिस्टम कर देते हैं, अपने आप को ही नंबर देते हैं, 100 में से मैं कितना नंबर अपने आप को देखता हूं, जब पूरे साल का मिल जाता है तो इसी से इंक्रीमेंट का एक आइडिया निकल आता है। मीन्स आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव खुद ही अपना KRA सीट भर रहा है, अपना इंक्रीमेंट लेटर खुद ही प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। तो वो कैसा परफॉर्म कर रहा, जब एवरी मंथ वो भरेगा देखेगा अरे यार मेरा यहाँ गड़बड़ हो रहा वहाँ गड़बड़ हो रहा, तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, राइट। तो मीन्स आप अपने फील्ड को डिफरेंट डिफरेंट टास्क दीजिए, प्लस डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट के लिए फ्रेंड 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास खुद नॉलेज है, खुद एक्सपीरियंस है तो वहाँ आप उसको शेयर कर सकते हैं, या भी आप मेरी भी हेल्प कर सकते हैं, मैं भी आपके डेवलपमेंट में हेल्प कर दूंगा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ट्रेनिंग वगैरह के पार्ट में भी हेल्प कर दूंगा। सेकंड ये है कि गूगल में देखो बहुत सारे ना मोटिवेशनल PPTs मिल जाती हैं आपको, बने बनाए PPTs मिल जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी PPTs मिल जाएंगी, तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके माइंड के अंदर खुद ही आजकल देखो यूट्यूब पे बहुत सारा कोई क्रिएटिव चीज़ चल रहा है, कोई भी स्टोरी अच्छी लगती है उसको प्रेजेंटेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, वीकली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे थ्रू मेल आप भेजिए। आप सब
भी पूछिए कि आपने वो स्टोरी पढ़ा क्या, या फिर जो आपने प्रेजेंटेशन भेजा हुआ है क्या उन्होंने पढ़ा क्या, उसके अंदर आप एक स्मॉल सा टास्क भी चाहे तो डाल सकते हैं, या फिर कोई पीओपी कैंपेन सा डाल सकते हैं उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ। अंडरस्टैंड मीन्स उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी डाल सकते हैं जिससे आपके फील्ड फोर्स का आप 5 ही लोग आपकी टीम में हैं लेकिन उनके बीच में भी ना कंपटीशन पैदा कर सकते हैं, ठीक है। जो बेटर करता है, जो परफॉर्म करता है, अवार्ड उसको हमेशा दीजिए। जब भी आप मंथली मीटिंग करते हैं या फिर क्वार्टरली मीटिंग करते हैं, अगर आप मीटिंग नहीं करते तो मीटिंग जरूर करिए। इस टाइप की मीटिंग नहीं, आए क्या सर, सेल्स टारगेट क्या था, ये वाली मीटिंग नहीं, ये वाली मीटिंग आप करिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक मीटिंग ऐसी होनी चाहिए चाहे वो क्वार्टर पे होनी चाहिए या फिर एवरी मंथ में होनी चाहिए। जिसने भी जो भी अच्छा काम किया, आपके पास 10 ब्रांड थे, 10 ब्रांड का आपने प्रोडक्ट वाइज टारगेट दिया है, 10 में से अगर उसने एक ब्रांड का भी टारगेट अचीव किया ना प्रोडक्ट वाइज टारगेट, तो उसको रिवार्ड दीजिए। रिवार्ड में क्या दे सकते हैं, 50 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का एक पेन दे दीजिए, गिफ्ट आइटम वाली, गिफ्ट वाले पेपर आते हैं उसमें लपेट के, एक डिओड्रेंट का बॉटल लपेट के दे सकते हैं, शेविंग इरेजर दे सकते हैं, बहुत सारी स्मॉल स्मॉल सी चीज़ें जो 100 से 200 के बीच में आती हैं अपनी इम्प्लॉय को आप दे सकते हैं। और बाकी के लोग जो विन कर रहा है, बाकी लोग जो खड़े ना उनसे क्लैपिंग करवा सकते हैं। इससे क्या होता है, एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, सेल्फ मोटिवेशन। देखो, पैसा 100 रुपये की जगह 500 रुपये देंगे ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो 100 रुपीज़ का जो रैप किया हुआ इनपुट गिफ्ट देते हैं ना किसी भी मेडिकल रैप को क्लैपिंग करवा के, उसका जो इफेक्ट है ना, जो उसका अंदर से प्राउड मूवमेंट फील होता है ना, उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, राइट। मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि कुछ भी अच्छा कोई इंप्लॉय करता है उसको चेरिश करिए, उसको इंजॉय करिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। मतलब एक बहुत अच्छा सा इंप्लॉय फेवर इन्वायरमेंट क्रिएट करिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और एक कंपिटिटिव इन्वायरमेंट भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डालिए, ताकि एक दूसरे से लोग कंपीट हो, कोई काम भी करते रहे आगे बढ़ने के लिए। कोई प्राइज रख दीजिए, कहीं कुछ रख दीजिए, बहुत सारी क्रिएटिव चीजें होती हैं। आप मुझसे एक बार जूम कॉल ले लीजिए, मैं बहुत सारी चीज़ बता दूंगा आपको, जिससे क्या होगा, आपस में कंपटीशन भी बढ़ा रहेगा, आप कंपटीशन बना रहेगा, सेल भी इंक्रीज होता रहेगा, और सेल में जो उनकी प्रॉब्लम आएगी एवरी मंथ रिव्यू करते रहेंगे तो उसको दूर भी करते जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू फ्रेंड अपने फील्ड फोर्स की स्टेबिलिटी को आप मेंटेन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, फील्ड फोर्स के ऊपर टाइट होके या कम सैलरी दे के ऐसा नहीं कर पाएगा, या फिर आप सोचे कि नहीं मैं सैलरी कम दे रहा हूँ इसलिए मेरा फील्ड फोर्स चला जा रहा है, नहीं, एक अच्छे इन्वायरमेंट ना पाने की वजह से प्लस आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पाने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन छोड़ जाता है। अगर ये 2-3 चीज़ें मतलब अपने कंपनी के अंदर सिस्टम डेवलप कर लेते हैं और इम्प्लॉई को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और जो उसके अचीवमेंट है उसको इंजॉय करना शुरू कर देते हैं, उसको चैरिश करना शुरू कर देते हैं, तो सिंपल सी बात है, अभी जो भी आपका एट्रिशन रेट होगा ये सारी इंप्लीमेंटेशन करने के बाद, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 50-60% जरूर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना एट्रिशन रेट रिड्यूस हो जाएगा, राइट। और बाकी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, आप एक जूम कॉल करके बुक करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे जिससे कि आपका बहुत सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे, राइट। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, कैसे फील्ड फोर्स को मैनेज करते हैं, कैसे क्या तरीका है। और हाँ, अगर आप इस फार्मा स्टार्टअप टूल किट जो मेरा है लेना चाहते हैं फील्ड फोर्स मैनेजमेंट करने के लिए, तो यहाँ बोर्ड लाइन नंबर आ रहा है इसके ऊपर, 2,000 रुपीज़, 199 999 का फी है और चार्ज है उसका, उतना पे करके आप ले सकते हैं किसी भी डिजिटल मीडिया के थ्रू, जो पेमेंट गेटवे हैं अपने गूगल पे, जी पे, फ़ोन पे, पेटीएम, जो भी सारे हैं किसी के थ्रू भी पे करके आप ये ले सकते हैं। सारी की सारी सॉफ्ट कॉपी जो फॉर्मेट है, कुछ इसमें प्रिंटेबल फॉर्मेट है, आप चाहो तो प्रिंट करके उसको स्पायरल करके दे सकते हो या इसका डायरी बना सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हो। फिलहाल इसके साथ एक यूजर वीडियो भी मिलता है जिसमें मैंने हर एक फॉर्मेट के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया कि कैसे आप चीज़ों को ट्रैक करेंगे, कैसे आप यूज करेंगे। तो आपके लिए अगर आप फार्मा स्टार्टअप हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है फील्ड फोर्स मैनेजमेंट के बारे में, फील्ड फोर्स मैनेज करने में, ठीक है। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको हेल्पफुल लगा होगा वीडियो, और कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए ताकि आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। बस इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।